हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ रहा हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गो। बैकग्राउंड है, ठीक है, आज का वाइट बैकग्राउंड है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उधर से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। तो इसको हमने ओपन कर लेना है, ठीक है, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो ये हमारी पिक्चर होगी ओपन, ठीक है। पिक्चर ओपन होने के बाद अब हमने क्या करना है, सिंपली जाना है ऐड फोटो में और इधर से कुछ शर्ट का PNG यानी कि लेना है जो पीछे बैकग्राउंड में होगा। तो ये वाला PNG है वो, तो इसको हमने सेट कर लेना है। तो मैं इधर इस पिक्चर को सेट कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से साइज का इधर सेट कर दिया, ठीक है। तो मैं कर दूंगा डन। डन करने के बाद जाऊंगा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद इधर जो नीचे के टेक्स्ट PNG है, म्यूज़िक लवर, और जो म्यूज़िक का PNG होता है, ठीक है, वो जो मैं यूज़ करूंगा, तो वो मैं म्यूज़िक लवर ये आ गया, इसको मैंने सेट कर दिया इधर। डन कर दूंगा, ठीक है। डन करने के बाद फिर से जाऊंगा ऐड फोटो में और जो नीचे वाला म्यूज़िक प्लेट का PNG है उसको यूज़ करूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इसका साइज में मैं थोड़ा सा कम कर लूंगा और जाऊंगा क्रॉप में। क्रॉप में जाने के बाद तो सिंपली इधर से कुछ इस तरीके से इसको कर लेंगे क्रॉप, ठीक है। तो ये क्रॉप हो गया डन। डन करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से इधर सेट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया इधर सेट। तो सिंपली इसको इधर हमने सेट कर दिया, ठीक है। सेट करने के बाद सिंपली क्या करना है, हमने कर देना डन। तो ये हमारा बैकग्राउंड जो भी था वो रेडी हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा आज का पिक्चर है उसको हमने ऐड कर लेना है, ठीक है। तो इसमें यानी कि बैकग्राउंड का कटआउट वगैरह नहीं करना। तो सिंपली ये हमारा पिक्चर है, इसको हमने ऐड कर लिया। तो अब हमने आना ब्लेंडिंग मोड में और ब्लेंडिंग मोड हम चेक कर लेना है कौन सा रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो इधर लाइटनिंग वाला भी ठीक है और स्क्रीन वाला भी, जो आप रखना चाहें। तो मैं रखूँगा इधर लाइटनिंग, ठीक है, जो आपकी पिक्चर पर यानी कि सही सूट कर जाए। मैंने पिक्चर को कर लिया सेट, इधर ही हमारी पिक्चर डन होगी, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लूँगा, चलेंगे एडजस्ट में और सैचुएशन में जाके हल्का सा सैचुएशन को बढ़ा देंगे और ह्यू में चलेंगे इधर, ठीक है। और अब आएंगे इस वाले कलर में, डन। शेडोज को कम, टेम्परेचर को देख लेंगे, टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ा देंगे, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, डन। तो ये देखें हमारी पिक्चर बहुत ही ऑसम लुक दे रही है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली जाना है ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद इधर 3 डॉट पर क्लिक करना है और सेव इमेज। पिक्चर को हमने सेव कर लिया। अब जो थोड़ा बहुत कलर करेक्शन करना है वो हमने करना है अपनी लाइट रूम एप्लीकेशन में, और आ जाएंगे अपनी लाइट रूम एप्लीकेशन में, ठीक है। तो लाइट रूम एप्लीकेशन में आने के बाद सिंपली क्या करना है, हमने अपनी पिक्चर को ऐड कर लेना। तो ऐड फोटो पर क्लिक किया तो इधर हमारे पिक्चर शो हो जाएगा। अभी पिक्चर को ओपन कर लिया, ठीक है, मैंने पिक्चर को ओपन कर लिया। अब हमने क्या करना है, सिंपली जाना लाइटिंग वाले ऑप्शन में, एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ाना, ठीक है, ब्लैक को कर देना कम हल्का सा, ठीक है, और वाइट्स को बढ़ा देना, शेडोज को कम हल्का सा, ठीक है, हाइलाइट्स को बढ़ा देना और आना इधर कंट्रास्ट में, कंट्रास्ट को बढ़ा देना हल्का सा। अब हमने क्या करना है, सिलेक्टिव वाले टूल में आना और इधर से चूज़ करना है ग्रेडिएंट वाला, और उसको मैं चूज़ करूँगा इधर, ठीक है, इधर चूज़ करूँगा और लाइटिंग वाले ऑप्शन में जाकर एक्सपोजर को हल्का सा कम करूँगा, ठीक है, इधर, ताकि ये हमारा जो ऊपर वाला पार्ट था वो पहले क्लियर नहीं दिख रहा था, ये देखें, तो अब ज़रा क्लियर दिख रहा है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली जाना है इस वाले टूल में और इधर चलेंगे मिक्स में और अपनी स्किन वाले कलर में आएंगे, सैचुरेशन को कम, ल्यूमिनेंस को हल्का सा बढ़ा देंगे, ठीक है, सैचुरेशन को कम, ल्यूमिनस को हल्का सा बढ़ा दें, ठीक है, क्या करेंगे, डन। तो इधर से टेम्परेचर को देख लेंगे किधर, ठीक, टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ाएंगे
और सैचुरेशन को भी हल्का सा बढ़ा देंगे। अब हमने जाना है इस वाले टूल में और विग्नेट को करना कम। विग्नेट की मिड पॉइंट को हमने कुछ इस तरीके से सेट, फेदर को इस तरीके से, ठीक है, राउंडनेस इधर, ठीक है, ठीक है। तो अब क्लैरिटी को हमने हल्का सा बढ़ाना है और जाना है इस वाले टूल में और शार्पिंग को बढ़ा देना, ठीक है। अब जाना है हमने फिर से इस वाले टूल में और एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ाना है, ठीक है। तो ये देखें हमारी पिक्चर पहले कुछ इस तरीके की थी, अब कुछ इस तरीके की हो गई। तो अब हमने क्या करना है, फिर से जाना है इस वाले टूल में और इधर से चूज़ करना है ये ग्रेडिएंट वाला, और अब इसको यूज़ करना है हमने नीचे वाली साइड पे, और एक्सपोजर को हमने फिर से क्या करना है, कम हल्का सा, ठीक है। तो इधर क्या करने के बाद डन, और थ्री डॉट पर क्लिक करना है सेव टू डिवाइस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।